आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया है सही से तो आप देखेंगे कि पक्षियाँ जब आसमान में उड़ते हैं तो वो वी फॉर्मेशन में ही ज़्यादातर उड़ते हैं। ऐसा क्यों है? जब पक्षियाँ माइग्रेट करती है तो कुछ पक्षियाँ मिलकर एक ग्रुप बना लेती है और उनमें से कोई एक जो लीडर चुना जाएगा वो आगे होगा और वो लीडर के पीछे पीछे वी फॉर्मेशन में बाकी सारे पक्षी आ जाएंगे और वो उड़ते चले जाएंगे। ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। अरे ये वाला नहीं यार, फटा इसको। यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है एनर्जी सेविंग के लिए। आपने देखा होगा जब एक गाड़ी स्पीड से आगे चले जाती है तो उसके पीछे से जो भी मिट्टी और धूल जमीन पर रहता है वो एकदम से ऊपर उड़ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब गाड़ी स्पीड से आगे चले जाती है तो वहाँ पीछे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है और वो जो भी धूल के पार्टिकल्स है वो अपत्रष्ट यानी एक अपलिफ्ट फील करती है और वो एक फोर्स है और इस कारण से वो एकदम से ऊपर उड़ जाते हैं। यहाँ भी यही होता है, जब आगे वाला पक्षी जो भी वो लीड कर रहा होता है ग्रुप को, जब वो उड़ता है तो उसके पीछे के सारी पक्षियों को एक अपलिफ्ट मिल जाता है और इसकी वजह से उन्हें उतना ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी ऊपर उड़ने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक उड़ पाते हैं। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में होके एक के पीछे बिल्कुल पीछे ही अगर सारे पक्षी उड़ने लग जाएंगे तो और भी एनर्जी सेव होगा, लेकिन ऐसा करने से सारे पक्षियों को आगे का रास्ता नहीं दिखेगा इसलिए वो वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं। इससे वो थोड़ा सा पीछे भी आ जाते हैं, थोड़ा एनर्जी सेविंग भी होता है और साथ ही साथ वो रास्ता भी देख सकते हैं साफ साफ से, इसलिए वो वी फॉर्मेशन में। आपने देखा होगा कि हवा में एयरक्राफ्ट भी ज़्यादातर इसी शेप में उड़ते हैं और वो भी इसी कारण के लिए है क्योंकि उन्हें फ्यूल की बचत होती है, सेविंग्स होती है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो एयरक्राफ्ट भी इसी शेप में उड़ते हैं और वो फॉर्मेशन जो भी है वो इंस्पायर्ड है पक्षियों से ही है। लेकिन इसकी वजह से सबसे आगे रहने वाला पक्षी को कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं होता क्योंकि उसके आगे कोई पक्षी नहीं होता और उसे कोई अपलिफ्ट नहीं मिलता। तो फिर वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन आगे जाता है, कौन लीड करता है ग्रुप को? वो दरअसल कोई एक ही पक्षी हमेशा आगे नहीं होता, वो रोटेशन कर लेते हैं वहाँ पर, मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल्स में वो जब जो सबसे पीछे होता है वो बहुत ही आराम से उड़ पाता है क्योंकि उसे ज़्यादा अपलिफ्ट मिलता है, वो थोड़ा सा आगे आता है, फिर थोड़ा ज़्यादा आगे आता है और वो कभी लीडर भी बन जाता है, फिर से पीछे जाता है, ऐसा रोटेशन होता रहता है और इसकी वजह से सारे पक्षियों को इक्वल मतलब इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप में रहने से, वो एक वी फॉर्मेशन में रहने से उन्हें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगा दूर जाने में।